के लिए दरख्वास्त फॉर्म की इजराई अमल में आई। मैं मुख्तसर तौर पर आप तमाम लोगों को बता दूं कि इस सीज़न के लिए हज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के लिए आप लोगों के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, 2 अदद वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोज़, इन दस्तावेज़ात का होना अहम और लाजमी है। आप ये दस्तावेज़ात लेकर दफ्तर अंजुमन खादिमुल हज्जाज, मुत्तसिल जामा मस्जिद, निज चौबारा बिदर पर आए। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दफ्तर खुला मिलेगा। आप लोगों की खिदमत और रहनुमाई के लिए यहाँ अंजुमन के तमाम जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस खिदमत का और इस रहनुमाई का फ़ायदा उठाएं और तमाम के तमाम लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। एक अहम बात मैं यहाँ बता दूँ कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को रिजर्व्ड कोर्ट कैटेगरी में रखा गया है और 65 साल से ज़्यादा के लोग अपने साथ बग़ैर कंपेनियन के जा नहीं सकते, इसलिए उनसे गुजारिश है कि अपने साथ किसी कंपेनियन की तैयारी कर लें। वैसे तमाम मालूमात के लिए आप यहाँ दफ्तर पर आएँ, हमेशा यहाँ दफ्तर पर अंजुमन के जिम्मेदारान मौजूद हैं, आपकी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज दरख्वास्त फॉर्म के लिए हज कमेटी की जानिब से आखिरी तारीख 9 सितंबर मुकर्रर की गई है। अगर सिर्फ ये ना सोचें कि इसके बाद फिर तारीख में तौसी होगी, अगर दरख्वास्तें कोटे के मुताबिक जमा हो जाएंगी तो फिर आगे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग 9 सितंबर के अंदर अंदर अपनी दरख्वास्त दाखिल कर दें। शुक्रिया।